अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर साइंस नेचर। आज की जो वीडियो है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के भावलनगर कैंपस और रहीम यार खान कैंपस के ऐड के मुतल्लिक है। जैसे आपके साथ कल एक इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी कि जो नोटिस है उन्होंने वो नोटिफाई कर दिया है कि जो एमफिल की डिग्रीज़ हैं वो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के भावलनगर रहीम यार खान कैंपस में शुरू की जा रही हैं। तो उसके मुतल्लिक आज उन्होंने जो है बकायदा उसको एक हतमी शक्ल दे दी है और एडवर्टाइजमेंट जो है इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर ने पब्लिश करवा दी है। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन आर ओपन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ रहीम यार खान एंड भावलनगर इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन जो कल आपके साथ शेयर किए थे वही आज मौजूद हैं। एम बी ए है, एम फिल केमिस्ट्री है, एम फिल फिज़िक्स है, एम फिल लिंग्विस्टिक्स है, एम फिल बॉटनी है, एम फिल पाकिस्तान स्टडीज़, एम फिल इन कंप्यूटर साइंसेस, एम फिल मैथमेटिक्स है, एम फिल एजुकेशन है, एम फिल इकनॉमिक्स है, एम फिल जोलॉजी और एम फिल इस्लामिक स्टडीज़। ये भावलनगर रहीम यार खान कैंपसेस के जो एम फिल के प्रोग्राम्स हैं इसमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी शेयर किया गया है और जनरल इंस्ट्रक्शन आप मुलाहिजा कर सकते हैं, इसको रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके नोट को ज़रा मुलाहिजा फरमाएँ। नोट ये है, यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट नॉट टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। दीज प्रोग्राम्स जिनके ऊपर ये स्टार लगा हुआ है वहाँ पे मेंशन है कि दीज प्रोग्राम्स आर बीइंग ऑफर्ड प्रोविजनली, हाउएवर द क्लासेस विल बी स्टार्टेड सब्जेक्ट टू द इश्यूएंस ऑफ एनओसी फ्रॉम द एचईसी। यानी कि ये जो प्रोग्राम है ये प्रोविजन है, अभी इनकी एनओसी जो है वो एचईसी की तरफ जारी नहीं हुई। जैसे ही एचईसी जो है वो जारी करेगा एनओसी तो वैसे ही जो इसकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। लेकिन अप्लाई आप कर सकते हैं और अप्लाई के लिए यहाँ पे डेट दी गई हैं कि जो एम फिल है इसके लिए गैट या नैट का जो टेस्ट है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 15 फरवरी तक डिपार्टमेंटल टेस्ट के लिए। और जो टेस्ट को पास करने के बाद अगर पास हो जाता है तो फिर आप 1 मार्च तक आप जो हैं वो एम फिल के एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।